कड़क, टोटा, पटोला, लंबे टांगों वाले। 2023 को जितना अच्छी फिल्मों के लिए याद रखा जाएगा, उतनी ही याद आएंगी वो फिल्में जिन्होंने आंखों में हार्ट अटैक दे दिया। ऐसी फिल्में जिनको देखकर हर किसी ने बस ये बोला, तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मतलब बेकार, बहुत बेकार, घटिया, महाघटिया, हर कैटेगरी की फिल्म मैं आपको गिनवाने वाली हूँ, क्योंकि अकेले ये दर्द मैं ही क्यों सहूं। आप तक अच्छी फिल्मों का रिव्यू पहुंचाने के लिए पता है कितनी घटिया घटिया फिल्में मुझे देखनी पड़ी हैं, कितना टॉर्चर फील होता था थिएटर में बैठे हुए वो मूवीज को सहन करने में। तो इस ईयर एंडर में मैं बात करने वाली हूँ उन 5 फिल्मों की जिन्होंने 2023 में बहुत डिसअपॉइंट किया। हाय, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं अनकट। दुश्मनानु पूछो तारा सिंह कौन है। सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है गदर 2। हाँ, पता है बहुत सारे लोग आ जाएंगे बोलने के लिए कि जाके पहले उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो, तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि नॉस्टैल्जिया और इंडिया पाकिस्तान के एंगल की वजह से बेशक इस फिल्म को हाइप मिल गई हो, लेकिन अगर सच में गदर मूवी और सनी देओल के फैन हो तो ये बात बताना कि गदर 1 के सामने ये मूवी कितनी हल्की थी। चाहे फिल्म के गाने हो या फिल्म का एक्शन, चाहे एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो या स्क्रीन प्ले, गदर 1 ही ज्यादा बेटर थी और गदर 2 हमारी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाई। नंबर 4 पर है तेजस। आई लाइक कंगना रनौत एज एन एक्टर, क्योंकि उन्होंने हमें बढ़िया बढ़िया फिल्में दी हैं, लेकिन अगर इस साल की उनकी फिल्म तेजस की बात करूं, जिसके ट्रेलर को देखकर मुझे काफी उम्मीदें लगी थी इस फिल्म के लिए, लेकिन थिएटर में इस फिल्म को बर्दाश्त करना उतना ही मुश्किल हो गया था जितना उनके मीडिया पोस्ट को पढ़ने पर हो जाता है। इस फिल्म में कौन सी एक खराब चीज पर बात करूं समझ नहीं आ रहा। स्क्रीन प्ले से लेकर पुअर VFX सभी ने डिसअपॉइंट किया है। 70 करोड़ में बनी ये फिल्म 5 करोड़ भी नहीं कमा पाई। नंबर 3 पर है गणपत। मतलब इस बार मैंने खुद टाइगर श्रॉफ के लिए बेट लगाई थी कि इस बार एक्शन और एक्टिंग हमें दोनों देखने को मिलेंगी, और इस फिल्म की कहानी के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि इंडियाज फर्स्ट डिस्टोपियन फिल्म आने वाली है, ऐसी फिल्म आपने देखी नहीं होगी, ये नहीं देखा होगा, वो नहीं देखा होगा। अरे अच्छा होता कि हमने ये फिल्म ही नहीं देखी होती, क्योंकि थिएटर में बैठे हुए 2 बार तो मैं सो गई थी और मेरे थिएटर में कुल मिलाकर 13-14 लोग थे और उनमें से भी 2-4 बीच में ही छोड़ के चले गए। नंबर 2 पर है शहजादा। सबसे पहले तो ये कि ये एक रीमेक फिल्म थी, अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म अला वैकुंठपुरा मुल्लू का रीमेक, और कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 में बनाई सारी इमेज का कचरा कर दिया। इस फिल्म से अल्लू अर्जुन का स्वैग कॉपी करते करते कार्तिक आर्यन अपना ओरिजिनल स्वैग भूल गए। स्लोमो में फाइट, खराब डायलॉग डिलीवरी, बेकार एक्टिंग, इस फिल्म के अंदर वो सब था जो लोगों को टॉर्चर करने के लिए चाहिए होता है। और अब आखिर में नंबर 1 का अवार्ड मिलेगा नन अदर देन आदि पुरुष को, जिसने 2022 से हल्ला मचा कर रखा था और इस साल पूरा इसके टॉर्चर से निकलने में लग गया। चाहे सिनेमा लवर्स के एंगल से देख लो या फिर लोगों के सेंटीमेंट्स के एंगल से, हर तरह से इस फिल्म ने पब्लिक को रुलाया ही है। खटिया VFX, वाहिया डायलॉग्स, पुअर स्क्रिप्टिंग, ना सहन करने वाली एक्टिंग और कॉस्ट्यूम्स, उसकी तो बात ही मत करो। इस फिल्म के अगर सॉन्ग्स को छोड़ दिया जाए तो इस फिल्म में अच्छा बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और ये बात शायद आप लोगों को भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके सब सताए हुए हैं। इसलिए आदि पुरुष को नंबर 1 का अवार्ड देना तो देखो बनता है। तो ये थी मेरे हिसाब से 2023 की 5 घटिया फिल्में जिन्होंने दुख, दर्द, पीड़ा सब दे डाला। वैसे आपके हिसाब से वो कौन सी 5 खराब फिल्में हैं जिन्होंने आपका मूड खराब कर दिया हो, मुझे कमेंट करके बताएं। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्हाट्सअप साक्षी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप देख रहे थे अनकट।